नमस्कार, निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह आज आप सभी को एक बनते हुए घर के लिए जो फर्श के लेवल तक का काम किया गया है इसको दिखाना चाहता हूं और इसके बारे में अब तक का जो भी कंस्ट्रक्शन आप देख पा रहे हैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। साथ में आपको ये भी बताऊँगा कि इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ चुका है। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या फिर अपने लिए घर बनवा रहे हैं, आप इस वीडियो को देखिए, आपको पता चलेगा कि आपको अपना घर का काम को किस तरीके से कराना है, कहाँ पे सावधानी बरतना है, कॉलम और बीम का साइज़ क्या देना है, कितना एमएम का सरिया लगाना है और उसके साथ साथ आपका कितना पैसा खर्चा आ सकता है, वो सारा जानकारी आपको आज मिलने वाला है। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, आपको पता है कि प्रत्येक घर का काम कराने का तरीका अलग होता है और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी अलग होता है। इसके पीछे कारण ये रहता है कि कोई अपने घर में कॉलम लगाते हैं 9 इंच बाय 12 इंच का, कोई अपने घर में कॉलम लगाते हैं 9 इंच बाय 9 इंच का। इस तरीके से अलग अलग साइज़ और अलग अलग सरिया के साथ में काम को करवाते हैं। तो यहाँ पर जो आप कॉलम का काम देख पा रहे हैं, पहले इसके बारे में जान लेते हैं ताकि आपको और अपने बनने वाले घर के बारे में आइडिया मिल जाए। ये जो कॉलम आप देख पा रहे हैं, चलिए मैं आपको नज़दीक ले जाकर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसका काम है वो किया गया। हालांकि सारा जो कॉलम है उसका काम है वो घर के लिए जो फर्श का ऊंचाई होगा वहां तक का जो जोराई का काम है उसके साथ साथ कॉलम का कास्टिंग भी कर लिया गया है। ये देखिए, एक कॉलम आप लोग को बता देता हूं, दिखा देता हूं। साइज के बारे में बात कर ले तो इस कॉलम को 14 इंची बाई 9 इंची का साइज में बनाया जा रहा है। यहां से लेकर यहां तक 14 इंची, फिर यहां से लेकर यहां तक 9 इंची, मतलब 14 इंच बाई 9 इंच का कॉलम का काम यहां पर आप देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ इसमें जो लगा हुआ सरिया है उसको भी आप देखिए कि यहाँ पे 4 सरिया का इस्तेमाल है वो किया जा रहा है 16 mm का और 2 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mm का। ये जो सरिया आप देख पा रहे हो, जो मेन बार है चारों कॉर्नर पे, वो है 16 mm का, 1, 2 उसके साथ साथ पे 2 उधर, चारों जो सरिया है वो 16 mm का है। इसके साथ साथ 2 यहाँ पर सरिया है बीच में, वो है 12 mm का। ये सरिया का बात मैं कर रहा हूँ। उसके साथ साथ डबल रिंग के साथ में यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है बहुत ही आसानी के साथ। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं रिंग 8 mm का यहाँ पे यूज़ है वो किया गया है। ये कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप घर के लिए कॉलम का काम करवाते हैं तो इजिली आप अपने घर को 3 से 4 तला तक ले जा सकते हैं। और इस घर के लिए जो कॉलम है उसका फुटिंग की बात कर लीजिए तो लगभग 4 फीट बाय 4 फीट के आसपास तक का, ग्राउंड के लेवल से लगभग 4.5 फीट नीचे यहाँ पे फुटिंग का काम है वो किया गया है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि फुटिंग का काम किया गया है, कॉलम का काम किया गया हुआ, उसके साथ साथ जो लगा हुआ सरिया है इसके बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी है वो दे दिया है। दोस्तों, कॉलम के बारे में जानने के बाद अब हम लोग इस घर में लगे हुए बीम के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो आप बीम देख पा रहे हैं, हालांकि ग्राउंड लेवल पे इस घर के लिए बीम का काम है वो किया गया है। इसका साइज 10 इंची बाय 11 इंची है, 11 इंची इसका डेप्थ है और 10 इंची इसका टॉप है। और इसमें लगा हुआ अगर सरिया की बात कर ले तो यहाँ जहाँ पर लॉन्ग स्पेन है वहाँ पर 6 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 2 सपोर्टिंग बार के साथ, उसके साथ साथ प्रत्येक जगह में 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। तो इस तरीके से इस बीम के लिए काम आप देख पा रहे हैं और कॉलम के बारे में मैंने तो आप लोग को बता ही दिया है। दोस्तों, जानेंगे कि इस घर को बनाने में कितना रुपए का खर्चा लगा, लेकिन घर का जो फर्श का ऊंचाई होता है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना आएगा। जैसे कि यहाँ पे जो आप काम देख पा रहे हैं वो ग्राउंड के लेवल से, जी दोस्तों, ये जो आप रोड देख पा रहे हैं यहाँ से लगभग 4 फीट के आसपास में ऊंचाई रखा गया है। रोड के जस्ट बगल में कुछ यहाँ पे मिट्टी है, बगल में आप देख पा रहे हो। उसके बाद यहाँ पे जो फर्श का ऊंचाई का बात कर लिया जाए ग्राउंड के लेवल से, तो लगभग 4 फीट के आसपास तक में अच्छा ऊंचाई यहाँ पे रखा गया। यहाँ से लेकर जो फर्श का ऊंचाई होगा वो 4 फीट के आसपास तक में यहाँ पे रखा गया है बहुत ही आसानी के साथ। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हालांकि जो ब्रिक वर्क आप देख पा रहे हैं इसके ऊपर में DPC किया जाएगा तो 2 से 3 इंची और यह है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा। फिर फर्श बनाया जाएगा तो 2 से 3 इंची वहाँ पे भी टाइल्स, मार्बल या फिर नेट वगैरह लगाते हो तो वहाँ पे भी उठ जाते हो। मतलब बात किया जाए एवरेज हाइट का तो सड़क जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो वहाँ से लगभग 4.5 फीट का हाइट पे इस घर के लिए फिनिश फ्लोर लेवल होने वाला है। मतलब जो फर्श बनेगा पूरा टोटल ऊंचाई वो लगभग 4.5 फीट के आसपास तक में आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है आने वाला दिन में। दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इस घर में फिलिंग का काम हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो बैक फिलिंग का काम है
वो बिल्कुल भी स्टार्ट भी नहीं किया गया। मतलब जो इसमें मिट्टी डालने का काम होता है, जो मिट्टी भराई का काम होता है, या फिर डस्ट डाल या फिर आप बालू भी डाल सकते हैं, वो काम बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया गया है। तो उसमें भी अभी अच्छा खासा पैसा है वो लगने वाला है। तो इस घर में आपको टोटल 5 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी, पूजा रूम और एक छोटा सा पार्किंग एरिया भी देखने को मिलने। दोस्तों अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि प्रत्येक जगह पे ब्रिकवर्क का काम यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया है, ये आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से। और उसके नीचे में जो बीम है उसका साइज भी सेम रखा गया है, 10 इंची बाई 11 इंची। सरिया के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। किसी भी घर का कंस्ट्रक्शन को जानने से पहले अगर उसका काम के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं तो आपको समझने में काफ़ी आसानी होता है और आपको अपने बनने वाले घर में के लिए अंदाज़ा लगाने में भी काफ़ी सहूलियत होता है। इसलिए मैं आप लोग को डायरेक्ट साइड से दिखाता हूँ, एक एक चीज़ के बारे में अच्छा तरीके से बता देता हूँ। दोस्तों अब हम लोग इस घर के लिए जो साइज़ का उपयोग किया गया है, जिस साइज़ में घर को बनाया जा रहा है, इसके बारे में जान लेते हैं ताकि समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाए। तो इस घर का जो साइड व्यू है यहाँ से लेकर वहाँ तक वो है 40 फीट का, और इसके साथ साथ जो फ्रंट व्यू है मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सामने की तरफ है, फ्रंट व्यू है वो है 45 फीट का। स्क्वायर फीट की बात कर लीजिए तो अगर आप 45 और 40 को गुना करेंगे तो आपका आ जाता है 1800 स्क्वायर फीट। मतलब 1800 स्क्वायर फीट में इस घर का काम को अब तक प्लिंथ के लेवल तक किया गया है। आसानी के साथ आपने यहाँ पे देख लिया है, बीम से लेकर कॉलम और उसके साथ साथ जो भी ब्रिक वर्क हुआ है, क्या कुछ यहाँ पे देखने को मिलने वाला है उसके बारे में आप लोग को जानकारी है वो दे दिया है कि किस तरीके से यहाँ पे काम है वो किया गया है। तो दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में प्लिंथ लेवल तक का जो काम किया गया, जो कुर्सी तक का काम किया गया है, इतना काम कराने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ चुका है। तो इस घर के ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में अब तक 5,20,000 रुपये से लेकर 5.5 लाख के बीच में खर्चा है वो आ चुका है। याद रहे ये एक 1800 स्क्वायर फीट का बनता हुआ घर है, काफ़ी मजबूती के साथ कॉलम और बीम का काम यहाँ पे किया गया है। घर के जो बाहर का दीवार है या फिर जो अंदर का दीवार है, प्रत्येक दीवार को 10 इंची के साथ में यहाँ पे रखा गया है, शायद आपने गौर किया होगा। मतलब काफ़ी मजबूत घर का काम को किया जा रहा है और ये एक बड़ा घर है जिसके लिए इसका खर्चा मैंने आप लोग को जो भी आया है उसके बारे में बता दिया है। जो मैंने खर्चा बताया उसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को भी इंक्लूड किया गया है, मतलब अब तक का टोटल खर्चा। एग्जाम्पल के लिए जो भी इस घर में सीमेंट लगा, बालू लगा, गिट्टी लगा, सरिया लगा, मजदूरी चार्ज लगा, वो सारा चीज़ को इंक्लूड करते हुए मैंने आप लोगों को खर्चा अब तक का बताया हुआ है। बहुत प्यारा घर बन रहा है, जैसे जैसे काम आगे बढ़ाया जाएगा आप लोग को दिखाऊंगा, बताऊंगा कि इस घर को किस तरीके से कंप्लीट किया गया। अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आप इस घर का पूरा सीरीज़ देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसके साथ साथ इस घर के साथ साथ मैं आप लोग को और भी बहुत सारा घर का डिज़ाइन दिखाता हूँ ताकि आपको अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया है वो मिल जाए। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले दिन में एक से बढ़कर एक आपको घर का जो काम होगा उसको मैं दिखाते रहूँगा। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।